अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब हैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप भी कैपकट यूज करते हैं, कैपकट में वीडियो एडिट करते हैं? जब आप कैपकट में वीडियो एडिट कर लेते हो, वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हो, तो आपकी जो कैपकट की एक्सपोर्टिंग परसेंटेज है वो 0%, 10%, 30% या 35% के करीब करीब आके रुक जाती है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल भी हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, कैपकट एप्लीकेशन भी क्रैश कर जाती है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपने इतनी मेहनत से वीडियो एडिट की होती है, जब आपको का रिजल्ट चाहिए तो आपकी कैपकट एप्लीकेशन हैंग हो जाती है, ना तो आपको वीडियो गैलरी में सेव मिलती है, ना ही आपको इसका रिजल्ट मिलता है। तो आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। इस तरह भी बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे। तो चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल से कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और यहाँ पे देखें आपको एक ही प्रोजेक्ट नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसको मैंने बड़ी मेहनत से एडिट किया है, लेकिन जब मैं एक्सपोर्ट करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पे देखें मैं 1080p की रेजोल्यूशन बढ़ाता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे चेक करें, ये 0% रहता है, इससे आगे ही नहीं ग्रो हो रहा। यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है वो भी स्किप कर जाता है, वो भी क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका सलूशन क्या है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश पे मुझे दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो यहाँ पे देखें ऊपर आपको सेटिंग वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ तो कैपकट जो एप्लीकेशन है यहाँ पे इसका वर्जन 12 है। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं इसकी सेटिंग बताता हूँ, क्या सेटिंग करनी है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, वो कैपकट को अनइंस्टॉल मार देते हैं, जिसकी वजह से जो उन्होंने एडिट की होती है वीडियो वो भी खत्म हो जाती है। कुछ क्लियर स्टोरेज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डाटा होता है वो भी रिमूव हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि मोबाइल को ही रिस्टार्ट मार देते हैं, जिसकी वजह से उनको मोबाइल दोबारा से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, दोबारा से फिर वही प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और उनकी प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आपने ये तमाम चीजें नहीं करनी। तो दोस्तों, जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ आपने उनको फॉलो करना है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को बैक कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपने मोबाइल से सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लिया और यहाँ पे आपने डिवेलपर ऑप्शन को ऑन करना है। डिवेलपर ऑप्शन कुछ मोबाइलों के एक्सेबिलिटी में होता है, कुछ मोबाइलों के अबाउट फोन में होता है। मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है तो यहाँ पे मैं अबाउट फोन के ऊपर टैप करके उसको ऑन करूंगा। तो यहाँ पे देखें अबाउट फोन के ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ पे जो ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ पे देखें बिल्ड नंबर को 7 बार टैप करने से डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेवलपर मोड हैज बीन इनेबल्ड, ये ऑन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर बैक करता हूँ। पे देखें बिल्कुल लास्ट पे आपको डेवलपर ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो ये डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, बिल्कुल एंड पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है आस्ता आस्ता, स्लोली स्लोली। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑलवेज शो क्रैश डायलॉग, आपने इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, उसके बाद दोबारा से आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है शो हार्डवेयर लेयर अपडेट्स, आपने इस ऑप्शन को भी इनेबल कर लेना है। उसके बाद दोबारा से आपने ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक ड्राइवर, कुछ मोबाइलों में ग्राफिक ड्राइवर प्रेफरेंस भी हो सकता है, तो आपने इस ऑप्शन को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे कैपकट लिखा होगा आपने उसके ऊपर टैप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कैपकट के ऊपर टैप करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ आपने सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर के ऊपर टैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने बैक आ जाना है। उसके बाद दोबारा से आपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, उसके बाद आपने उसी प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करना है जो आपका प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, जो वीडियो आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, गैलरी में सेव नहीं हो रही, आपने उसी के ऊपर दोबारा से टैप करना है। यहाँ पे मैं उसी के ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ पे देखें वही वीडियो है, तो इसके ऊपर मैं टैप करता हूँ, तो ये देखें ये वही वीडियो है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं देखें रेजोल्यूशन को यहाँ पे बढ़ाता हूँ, 1080p करता हूँ, एक्सपोर्ट के ऊपर टैप करता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा कि आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देखें 1% भी हो चुका है। तो यहाँ पे देखें हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है, हमारी जो एक्सपोर्टिंग है वो जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे परसेंटेज भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह दोस्तों आपकी भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, आपने इन 3 स्टेप को फॉलो करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो ये था दोस्तों सिंपल मेथड जिसके जरिए आप कैपकट एक्सपोर्टिंग वाली प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने सैमसंग की सेटिंग का बताया, अगर आपके पास किसी और कंपनी का मोबाइल है, कोई और मोबाइल आप यूज करते हैं, तो आपने ड्यूल ऑप्शन को ऑन करना है और इन्हीं 3 सेटिंग को अप्लाई करना है तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगर आपके पास किसी और कंपनी का मोबाइल है लेकिन आप इन्हीं 3 सेटिंग को अप्लाई करते हो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपने क्या करना है, सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपको सेटिंग भी बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।